आपने कहा कि आपने वजीर आजम को अर्जी डाली हुई है मुलाकात के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वजीर आजम दूसरी तरफ जो है वो साबिक चेयरमैन जो है उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। अच्छी बात और है। कुछ हुकूमती रहनुमा ये भी कहते हैं कि क्योंकि हम इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, जैसे ही हम निकलेंगे सबसे पहला काम ये करेंगे कि रमीज राजा को घर भेजेंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो रमीज राजा क्या कप्तान के खिलाड़ी की तरह ही एक मजामत करेंगे या जो फैसला होगा वजीर आजम की तरफ से उसे मनमान कबूल करेंगे? वो पैटर्न इन चीफ है जी, पॉइंट कहने का ये है। मगर आई थिंक अगर आपके फैंस आपके साथ हैं और आपकी परफॉर्मेंस बोलती है तो मुश्किल हो जाता है ये डिसीजन करना मेरे हिसाब से, बट उनकी कॉल है कम्प्लीटली। रमीज भाई, पहले टीम का ऐलान होता था तो चीफ सेलेक्टर थे वो यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और प्लेयर की कारकर्दगी के बारे में आप उनके लैपटॉप के पीछे पड़ जाते। मेरे ख्याल से समीउल हसन ने कहा जी आप मत जाया करें, तो अब क्या वजह है कि वो जब भी टीम का ऐलान करते हैं मगर लिंक शेयर कर देते हैं और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? और साहब ने नहीं, ठीक है ये करवाओ यार प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल होते हैं बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जहाँ तक इंडिया का है, मेरे साइड लाइन्स के ऊपर बात हुई है सौरव गांगुली से और मैं उनको यही बताता हूँ कि अगर दो क्रिकेटर्स मार्टिन स्नेडन, तीन इस वक्त क्रिकेटर्स हैं जो कि चेयरमैन हैं या बोर्ड पे हैं, सो मैंने कहा अगर हम कोई डिफरेंस नहीं ला सके तो फ़ायदा क्या है। तो मैं उनको ये बताता रहता हूँ, उनकी और मसलतें हैं अनफॉर्चुनेटली। मगर दो दफ़ा उन्होंने मुझे आईपीएल में जाने को कहा, आने को कहा ऑफिशियली, एक दफ़ा जब दुबई में हुई थी और एक दफ़ा अब। सो मैं उसके ऊपर स्प्लिट था, मैंने कहा चले गए तो ये फैंस ने जो है बड़ा गर्क कर देना है, और हालांकि उसकी शायद क्रिकेटिंग सेंस बनती थी बट इस वक्त जो है वो है थोड़ा से दराड़े हैं, उसको ठीक करने के लिए वक्त लगेगा, इसलिए कि ये पॉलिटिकल गेम है, ये क्रिकेट की गेम होती तो दो मिनट में सॉर्ट आउट हो जाती। मगर देखिए 2025 का हमें चैंपियंस ट्रॉफी मिली ना, सो वो हमने एक तरह से इन्फ्लुएंस को तोड़ा है और लोगों ने रिकग्नाइज किया है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है और फैंस जो हैं वो डिज़र्व करते हैं एक इस तरह का वर्ल्ड क्लास इवेंट।